दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिख सिंह एकेडमी में। और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं डेली न्यूज बुलेटिन में कुछ खास जानकारी। दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों का जो संविलियन का पड़ा था वो संविलियन के आदेश आ चुके हैं, इसके लिए हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हो चुका है। इसके लिए मध्य प्रदेश का राजपत्र जो असाधारण नोटिफिकेशन जारी हो चुका है भोपाल में से द्वारा, ये मंगलवार जुलाई 31 जुलाई 2018 को जारी किया गया है। दोस्तों प्रदेश के 224 सामुदायिक विकास खंडों में स्कूल शिक्षा विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग की योजनाओं सेवाओं का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में 30 जुलाई 2018 को जारी कर दिया गया है। इसकी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे रहे हैं, उस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग और मध्य प्रदेश नगरीय निकाय संवर्ग अध्यापक संवर्ग के अधीन काम करने वाले अध्यापक संवर्गों को स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा में संविलियन कर दिया गया है। जाना था, ये पहले ही जानकारी दी जा चुकी थी, किया जाना था। इसके अनुरूप ही 9 मई 2018 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था। प्रदेश के 224 सामुदायिक विकास खंडों में विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं की स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन नियुक्ति एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापक संवर्ग में सहायक अध्यापक, अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक तथा शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। इनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के शर्त एवं भर्ती नियम 2018 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर की जाएगी। तो नवगठित प्रकाशित नियम में प्रभावशाली होने से अध्यापक संवर्ग में कार्यरत अध्यापक संवर्ग का अमला स्थानीय निकायों को स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत हो जाएंगे। उक्त अमले में 1 जुलाई 2018 को नियमित सातवें वेतनमान के लाभ के साथ समरूप शासकीय सेवकों के समान अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्यकारिणी समिति ने दी है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है, राजपत्र जारी कर दिया गया है, बहुत जल्द इनके आदेश आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ।